चल ऐसे। क्या दिख रहे नहीं रहे तू चल राइट लेफ्ट में देख रहे राइट हमने तुम्हारे नाम की पूजा रखवाई थी, भजन मंडली बखवाई थी, और देखो इससे पूजा शुरू होने से पहले अपशगुन उतर डाला। तू होता कौन है बड़ी अम्मा को रोकने वाला? वो इस घर की सबसे बड़ी है, और अगर वो चाहती कि पूजा हो तो पूजा होकर रहेगी पुलिस तिवारी। और एक और चीज, साहिल अगर वो आके घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी, ये बात याद रखना। एक बात याद रखना, साहिल अगर वो आके घर में तेरी मनमानी कभी नहीं चलेगी, समझा? जैकी बात यह है कि
कि लता दी का फेवरेट हीरो था जैकी श्रॉफ, और लता दी को कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जैकी श्रॉफ जैसे जैसे ऑडिशन। दरअसल बात यह कि लता दी का फेवरेट हीरो था जैकी श्रॉफ, और लता दी को ऐसा लगता था कि मैं जैकी श्रॉफ जैसा दिखता हूँ, तो तब से डेजी मुझे जैकी श्रॉफ बुलाती। वैसे अगर लता दी आपको देखती तो कहती कि ये तो प्रेम चोपड़ा जैसे दिखते। दरअसल बात यह कि लता दी का फेवरेट हीरो था जैकी श्रॉफ, और लता दी को लगता था कि मैं जैकी श्रॉफ जैसा दिखता हूँ, तो तब से डेजी मुझे जैकी जैकी बुलाती है। वैसे अगर आपको देखती तो लता दी आपको प्रेम चोपड़ा बोलती। क्या बोला मैंने? प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, बड़ी फिल्मी किस्म की थी मेरी माँ। करेक्ट। हम तो किसी लता को नहीं जानते। प्राची दी आप रहने दीजिए, क्योंकि आपको चीजें याद नहीं रहती। साहिल ने कहा है कि वो इस लड़की को जानता है तो जानता है। साहिल को तुम लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं। जवाब तो उमेश तिवारी को देना चाहिए। पूजा भंग करना अपशगुन होता है, और भजन कीर्तन नहीं करवा के क्या मिला इसे? एक मिनट, नहीं करवा के मतलब क्या? कैंसिल? देखो हम लोग हर कोई तुम्हारे पति जैसा फरेबी नहीं होता है। सॉरी राइट सर, हर कोई तुम्हारे पति जैसा फरेबी नहीं होता है। फरेबी ना? फरेबी, फरेबी। फरेबी। हर कोई तुम्हारे पति जैसा फरेबी नहीं होता है प्राची, जो हर बार धोखा दे। साहिल ने कहा है वो इस लड़की को जानता है तो जानता है। साहिल को तुम लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। जवाब तो मनीष तिवारी को देना होगा। पूजा भंग करना अपशगुन होता है, और भजन कीर्तन नहीं करवा के क्या मिला इसे? एक मिनट, नहीं करवा के मतलब कीर्तन कैंसिल? चल के आई, अरे दो तीन प्रोग्राम छोड़ के इधर आए हम लोग, और तुम लोग नहीं करवाना तो मत करवाओ नीचे बैठे, लेकिन हमारे पेट पे लात मारोगे तो बद्दुआ लगेगी हमारी, फिर मत बोलना हमें। अब बैठ गए सब लोग, मैं आप हूँ। चलिए आप सब चलो। ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें? इन कमीने लोगों के साथ डील करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मर गई थी क्या मैं? मुझसे बिना कुछ पूछे बिना कुछ बताए ये कर रही थी तुम? इतनी बड़ी हो गई हो? हाँ हो गई हूँ मैं बड़ी, और अपनी जिंदगी के कुछ फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। कहाँ था मैंने? नहीं नहीं, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, और मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। और एक माँ अपनी बेटी को ऐसा गलत, डैडी साहब अपनी बेटी को ऐसा गलत कदम नहीं उठाने देगी। ये आपके लिए गलत होगा, मेरे लिए नहीं, पर अगर रोक सकती हो तो रोक। आज मुझे साहिल ने एक बात सिखाई है, मैं अपने लिए लड़ूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं किसी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, चाहे फिर वो तुम खुद ही क्यों ना हो। चलो मेरे साथ। मम्मा छोड़ो मुझे, छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए मुझे। छोड़ने लगे दिए मैंने तुम्हें, हाँ
इन लोगों के साथ ऐसी डील करते हुए शर्म। सॉरी सॉरी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, रोलिंग एंड एक्शन। लाइसेंस कर दिया मैंने तुम्हें। इन लोगों के साथ ऐसी डील करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मर गई थी क्या मैं? मुझसे बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे ये करने जा रही थी तुम? इतनी बड़ी हो गई हो? हाँ, हो गई मैं बड़ी। और कुछ फैसले आपसे पूछे बिना आपको बताए बिना खुद ले सकती हूँ मैं। कहा था ना मैं? नहीं नहीं, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ तुम हमेशा मेरी बच्ची रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारी माँ। और एक माँ अपने बेटी को ऐसा गलत कदम उठाने से रेडी सर एक्शन। और एक माँ अपनी बेटी को ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाने देगी। ये आपके लिए गलत होगा मेरे लिए नहीं। तुम कुछ रोक सकती हो तो रोक ना। हाँ वापिस लें, ये आपके लिए गलत होगा। एक्शन। ये आपके लिए गलत होगा मेरे लिए नहीं। तुम कुछ रोक सकती हो तो रोक ना। नहीं हट जा अभी। रोलिंग एंड एक्शन। हाथ मत लगाना। डील याद है? डील तुम्हें याद है कि नहीं? पहले तुम वो करोगी जो हमें चाहिए, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। याद है? तुम भी मत भूलना। कट इट। ओके हाँ, अरे आओ। पुलिस जी और मेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हो ना तुम? तो अब मुझसे 2 फुट दूर ही रहना। जिस दिन लाइन क्रॉस की, नहीं, पुलिस जी और मेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हो ना तुम? तो अब मुझसे 2 फुट दूर ही रहना, क्योंकि मेरा मूड बदलने में देर नहीं लगेगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? मर गई थी क्या मैं? मुझसे बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे ऐसा कर रही थी तुम? इतनी बड़ी हो गई हो? हाँ। हो बड़ी हो गई हो? हाँ, हो गई मैं बड़ी। आपको बिना कुछ बताए बिना कुछ पूछे अपनी जिंदगी के कुछ फैसले खुद ले सकती हूँ। कहा था ना मैंने? नहीं नहीं, तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो जाओ तो हमेशा मेरी बच्ची होगी और मैं हमेशा तुम्हारी माँ। और एक माँ अपनी बेटी को ऐसा गलत कदम नहीं उठाने देगी। आपके लिए गलत होगा मेरे लिए सही। रोक सकती हो तो रोक। अरे वो करना पड़ेगा जो हमें चाहिए, तब जाके तुझे वो मिलेगा जो
तू चाहती है। All right, okay.